हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा। दिस इज़ लेक्चर 11 ऑफ योर जनरल साइंस, जिसमें हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सीआईएसएफ 2021 और सीडीएस 2021 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। एनडीए का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, इससे रिलेटेड भी आपको कुछ वीडियोज ऑलरेडी मिल चुके हैं। सो इस लेक्चर में भी एनडीए के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। अराउंड 3 क्वेश्चंस हमने कवर करने हैं। ओके, सो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जल्दी से उनको शुरू करेंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे ईपीएफओ का पेपर दे रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो एक फ्री सैंपल टेस्ट गैप सोशल सिक्योरिटी और आईआरएल का वेबसाइट के ऊपर डाल दिया गया है। उसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना, जाकर सिंपली टेस्ट देना। उससे आपको जो पेड एमसीक्यू कोर्स है उसकी क्वालिटी पता चल जाएगी, ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें अपने परचेज के लिए। अगर आप आज परचेज करते हैं, 21 मई तक हमने एक सेल चलाई थी, तो उसमें आपको 50% ऑफ मिल रहा है। यू हैव टू जस्ट यूज़ द कूपन कोड SALE50। ओके, ये सेल आज खत्म हो जाएगी। ऑलराइट, चलिए। ओके, किसी भी डाउट के लिए कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो, या व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हो इन गिवन नंबर्स या ईमेल आईडी पर। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एपिथेलियल सेल्स से रिलेटेड पहले भी एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर 5 में भी हमने जो है एपिथेलियल सेल्स के ऊपर जो है बात की थी, एपिथेलियम के ऊपर बात की थी। ओके, सो लेक्चर 5 में भी हमने डिस्कस किया था। आज फिर से हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हमने डिस्कस किया था, ये सीआईएसएफ के एग्जाम के लिए हमने डिस्कस किया था। सीआईएसएफ के पेपर में भी इसके ऊपर सवाल आया हुआ था। अब मैंने आपको कहा है कि यूपीएससी के जो पास्ट ईयर के, अगर आप 5-6 साल के पेपर कर लेते हो, ऑलमोस्ट आपका सारी जनरल साइंस जो पूछी जाती है यूपीएससी के एग्जाम्स में वो कवर हो जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन जो टॉपिक्स हैं जनरल साइंस के, वो बहुत लिमिटेड से हैं। ठीक है, अगर आपने 5th, 6th to 10th की एनसीईआरटी पढ़ ली, तो ऑलमोस्ट आपकी सारी की सारी जनरल साइंस ओवर हो चुकी है ऑलरेडी। बस उसको क्वेश्चंस की फॉर्म में किस तरह से वो पूछा जाता है, उसको समझने की जरूरत है। अब देखो, यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन जो एनडीए 2021 में पूछा गया कि स्क्वेमस एपिथेलियल सेल, जिसके बारे में भी हमने देखा था लेक्चर नंबर 5 में, वो भी देख लेना एक बार। ठीक है, अब और ज़्यादा इसको अच्छे से करेंगे। तो स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स आर फाउंड इन द इनर लाइनिंग ऑफ, ठीक है, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल आर फाउंड इन द इनर लाइनिंग ऑफ ए एसोफेगस, बी स्मॉल इंटेस्टाइन, सी डक्ट्स ऑफ सेलाइवरी ग्लैंड, और डी किडनी। सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली आंसर जो है एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ, कहीं और भटकने की जरूरत ही नहीं है। जनरल साइंस के लिए मैं देखता हूँ बच्चे बड़ी सारी किताबें ले लेते हैं, ल्यूसेंट ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, कोई फायदा नहीं है। आना पेपर अल्टीमेटली एनसीईआरटी में से ही है सारे का सारा, और वही हम पढ़कर नहीं जाते। ओके, तो आंसर इस केस में क्या होगा? आंसर इस केस में होगा बच्चे ऑप्शन ए। ठीक है, ऑसिफेगस में आपके स्क्वेमस एपिथेलियल सेल होते हैं। अब एनसीईआरटी में एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में क्या लिखा गया वो देख लेते हैं एक बार फिर से। द कवरिंग और द प्रोटेक्टिव टिश्यूज इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, जो भी कवरिंग टिश्यूज होते हैं या प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं, स्किन क्या है? स्किन भी एक आपका कवरिंग टिश्यू है, एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है, तो स्किन भी क्या है? स्किन भी एपिथेलियल टिश्यू का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो क्योंकि ये प्रोटेक्टिव टिश्यूज हैं, ये आपको ज़्यादातर ऑर्गन्स की कवरिंग या कैविटीज की कवरिंग जो बॉडी के अंदर होती है, वहाँ पर ये एपिथेलियम जो टिश्यूज हैं या एपिथेलियल टिश्यूज हैं, वो आपको मिलेंगे। ओके, बिकॉज इसका मेन काम क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है बॉडी को, ये एक बैरियर की तरह एक्ट करता है टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स सेपरेट। सेपरेशन भी हो गया डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स के बीच में, और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब जैसे आपका स्किन हो गया, जो माउथ का लाइनिंग होता है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स होता है, लंग एल्वियोलाई होते हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये सारे के सारे किससे बनते हैं? एपिथेलियल टिश्यू से। अब सीधा सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जा सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग हैज अ कवरिंग ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, स्किन, लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, ऑल ऑफ द अबव, तो उस तरह से आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, ये काफी ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एपिथेलियल टिश्यू, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एपिथेलियल टिश्यू, ये पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, समझते हो इस चीज को? तो एपिथेलियल टिश्यू जो है टाइटली पैक्ड होते हैं और कंटिन्यूस शीट की फॉर्म में होते हैं। सिर्फ बहुत कम जो है इनके बीच में सीमेंटिंग मटीरियल होता है, और इंटरसेल्युलर स्पेस जो है वो ऑलमोस्ट एब्सेंट होती है। ठीक है, ऑलराइट, इंटरसेल्युलर स्पेस ऑलमोस्ट एब्सेंट होती है। तो देखो, क्वेश्चन पूछ लेगा वो इस तरह से, आपको स्टेटमेंट दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इनकरेक्ट अबाउट एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू आर द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज इन एनिमल बॉडी, ऑप्शन ए।
एपिथेलियम टिश्यूज आर प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ द माउथ द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स किडनी टिब्यूल्स ऑप्शन सी एपिथेलियल टिश्यूज आर टाइटली पैक्ड ऑप्शन डी एपिथेलियल टिश्यूज हैव अ लॉट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम एपिथेलियल टिश्यू सेल्स हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द सेल्स तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा वो गलत हो जाएगा क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेस तो ऑलमोस्ट एबसेंट होती है तो इस तरह से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर लेना अपने पेपर के अंदर ओके उसके बाद ऑब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग और लीविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम एज अ रिजल्ट द परमेबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ठीक है क्या परमेबिलिटी होगी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियम सेल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि किस तरह से जो डिफरेंट मटीरियल है वो उसका एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरमेंट ओके नाउ एपिथेलियम मल्टीपल टाइप्स के होते हैं वो भी हम देखेंगे लेकिन रिगार्डलेस ऑफ द टाइप कि क्या टाइप है एपिथेलियम का ऑल एपिथेलियम इज सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाय एन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन ठीक है तो एपिथेलियम जो है वो सेपरेट होगा अंडरलाइंग टिश्यू से एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू ओके तो एपिथेलियम विल बी सेपरेट ऐसा नहीं है कि इट विल बी ज्वाइनिंग दैट पर्टिकुलर टिश्यू और इट विल बी ज्वाइनिंग दैट पर्टिकुलर ऑर्गन ओके अब जो डिफरेंट एपिथेलियम्स होते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करते हैं और उनके फंक्शंस भी यूनिक होते हैं फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हो जो लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स हैं या लंग एल्वियोलाय हैं जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस करता है जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस होता है ओके वहाँ पर सेलेक्टिवली परमेबल सर्फेस होता है ओके और ये सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम इसको बोलते हैं या फिर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम भी बोलते हैं ओके जो ये स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा थिन होते हैं और फ्लैट होते हैं और काफ़ी डेलिकेट लाइनिंग जो है वो इनकी होती है ये सारे के सारे पॉइंट्स प्रॉपर्टीज के अंदर डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं ओके अब जो आपका ऑसोफेगस है या लाइनिंग ऑफ द माउथ है यहाँ पर आपको कौन सा मिलता है स्क्वेमस एपिथेलियम मिलता है जो काफ़ी थिन होता है और डेलिकेट होता है अभी हमने पीछे देखा ना और अपने से क्वेश्चन में भी स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में ही पूछा गया था ठीक है मैंने वीडियो 5 में भी आपको बताया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियम कौन से होते हैं ठीक है वीडियो 5 भी एक बार जरूर देखना जिन्होंने नहीं देखी है नाउ स्किन जो होता है जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है ये भी एक टाइप का स्क्वेमस एपिथेलियम है अभी देखो जैसे ऑप्शन थे पीछे अगर मैं पीछे क्वेश्चन के ऊपर दोबारा चला जाऊं ठीक है यहां पर अगर मैं ऑसोफेगस की जगह स्किन लिख देता तो क्या आंसर मेरा क्या हो जाता फिर भी आंसर मेरा ए ही रहता ठीक है अगर मैं स्किन की जगह लाइनिंग ऑफ द माउथ लिख देता तब भी मेरा क्या आंसर रहता तब भी मेरा आंसर ए ही रहता ठीक है तो इस तरह से क्वेश्चन में वेरिएंस जो है एग्जामिनर ला करके आपसे पूछ सकता है तो आपको उसके लिए रेडी रहना है ओके ऑलराइट नाउ सिंस दे आर अरेंज्ड इन पैटर्न ऑफ लेयर्स जो स्किन एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो लेयर्स की फॉर्म में होते हैं ताकि वेयर एंड टेयर जो है वो प्रिवेंट किया जा सके तो ये पैटर्न ऑफ लेयर्स की वजह से इसको स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम भी कहा जाता है जो स्किन एपिथेलियम होता है इसको स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम भी कहा जाता है अब क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम तो आंसर क्या हो जाता स्किन हो जाता ऑलराइट उसके बाद जिन एरियाज में जिन ऑर्गन्स में एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन का काम होता है ठीक है जैसे आपका जो इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन है वहां पर क्या होते हैं वहां पर आपके टॉल एपिथेलियल सेल्स होते हैं वहां पर क्या मिलेंगे टॉल एपिथेलियल सेल्स मिलेंगे जिनको कॉल्यूमिनर एपिथेलियम भी कहा जाता है क्योंकि ये पिलर लाइक होते हैं शेप में ठीक है एंड दे फैसिलिटेट मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरल यहाँ पर मूवमेंट जो है ये फैसिलिटेट करते हैं इनफैक्ट कई जो कॉल्यूमिनर एपिथेलियम सेल्स होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में उनके ऊपर सिलिया होता है सिलिया इज लाइक अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर ठीक है फॉर एग्जाम्पल ये आपका एपिथेलियम सेल है इसके ऊपर ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जिनको सिलिया बोला जाता है और ये जो सिलिया होते हैं ये दे कैन मूव ठीक है ये मूव कर सकते हैं और इन्हीं के मूवमेंट की वजह से लाइक अ ब्रश दे हेल्प इन क्लियरिंग द म्यूकस जैसे आप ब्रश यूज करते हो ना मैले कपड़े के ऊपर ताकि जो मैल है वो निकल जाए सिमिलरली सिलिया ऑल्सो मूव्स लाइक अ ब्रश जिससे म्यूकस को क्लियर किया जा सके ओके और इसी वजह से जो ये टाइप होता है एपिथेलियम का इसको सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम भी कहा जाता है ठीक है जी उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम ये क्यूब शेप्ड सेल्स होते हैं और ये आपको किडनी ट्यूब्यूल्स डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स ओके यहाँ पर आपको मिलेंगे ओके यहाँ पर ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किडनी को और सलाइवरी ग्लैंड्स को ऑलराइट
अब कई बार क्या होता है, जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो एक एडिशनल स्पेशलाइजेशन भी उनके पास आ जाती है एज ग्लैंड सेल्स. ओके, जो ग्लैंड सेल्स बेसिकली क्या करते हैं, सब्सटेंसेस को सेक्रीट करते हैं एट द एपिथेलियल सर्फेस. ऑलराइट, और कई बार क्या होता है, एक पोर्शन जो होता है ना एपिथेलियल टिश्यू का, वो फोल्ड कर जाता है इनवर्ड्स, और उसकी वजह से एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड जो है वो फॉर्म हो जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम. ओके, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ये सारी चीजें आपको आइडिया होनी चाहिए और कौन से एरियाज में मिलते हैं. जैसे क्यूबॉइडल का मैंने कह दिया किडनी ट्यूब्यूल्स, सलाइवरी ग्लैंड्स में आ गया, ठीक है. और आपका जो कॉल्यूमिनर था वो आपका कहां पर आ गया, वो आपका आ गया इंटेस्टाइन के अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है जी. उससे पहले आपका स्ट्रेटिफाइड था, वो स्किन के अंदर आ गया. जो स्क्वेमस है वो ऑसोफेगस के अंदर आ गया, ब्लड लाइनिंग्स के अंदर आ गया, और उसके बाद जो है आपका माउथ की लाइनिंग्स में आ गया. और तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं जो आपको इस क्वेश्चन में हेल्प कर सकती हैं. अब फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पर स्क्वेमस की जगह यहाँ पर मैंने लिख दिया होता क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल, सो वट वुड बी द आंसर. आंसर देखो सी और डी दोनों होते, ठीक है, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड्स में भी है अभी मैंने देखा, और किडनी में भी है, ठीक है. सिमिलरली अगर मैंने कॉल्यूमिनर लिख दिया होता, कॉल्यूमिनर लिख दिया होता, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन उसका आंसर हो जाता, ठीक है. तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मल्टीपल फॉर्म्स में. तो एक क्वेश्चन से आगे चल के 5 क्वेश्चन कैसे बनते हैं पास्ट ईयर पेपर को देख के, वही एक आर्ट होती है टू प्रिपेयर. और उसी लिए जो टीचर है आपको सजेस्ट करता है, आपको बार बार बोलता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो देखो देखो, क्योंकि वो आपको इंस्पायर करते हैं, वही आपको इंस्पिरेशन देते हैं कि किस तरह से आपने पढ़ना है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर बायो से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, हमने पहले भी देखे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है, पिछले वीडियोस में भी कवर किए हैं. सो इन माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसाइजिंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द, एटीपी सिंथेसाइजिंग केमिकल रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में कहां पर होता है, आउटर मेम्ब्रेन में, मैट्रिक्स में, इनर मेम्ब्रेन में, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में. देखो आसान सा सवाल है, अगर पढ़ी है एनसीईआरटी तो इजीली आंसर कर दोगे, ठीक है जी. तो आंसर इस केस में होगा आपका ऑप्शन सी, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, ऑप्शन सी होगा. माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक बार थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन सवाल इस पे इसके ऊपर भी आ जाता है, ठीक है. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है. और कई बार बच्चे कहते हैं यार ये तो बड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन है, पर पेपर में कई बार नहीं याद में आता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है. अब आप ये चीज समझो कि जो सेल्स हैं उनको अपनी वेरियस केमिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो उसको खाना भी बनाना है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस भी करना है, एनर्जी चाहिए, ठीक है, ब्रीदिंग प्रोसेस जो है उसके लिए भी एनर्जी चाहिए. तो केमिकल एक्टिविटीज के लिए आपको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स. ये पता होना चाहिए कि कौन रिलीज करता है, डायरेक्टली पता होना चाहिए. सवाल पूछा जा सकता है कि एटीपी और एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स विच प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज टू द सेल आर रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनेल. आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है. एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस में ही क्या बनती है, पावर हाउस में ही बिजली बनती है ना, पावर हाउस में ही इलेक्ट्रिसिटी बनती है. इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है. तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या बना रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस है वो क्या बना रहा है, वो एनर्जी बना रहा है. और एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल फिर क्या हो जाएगी, जिसको हम बोल रहे हैं एटीपी, ठीक है. अब जो बॉडी होती है वो इस एनर्जी को यूज करती है जो एटीपी में स्टोर्ड होती है फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क. ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, ज्यादातर आपको दिखेगा कि जो सेल्स होते हैं या जो ऑर्गेनेल्स होते हैं एक मेम्ब्रेन होता है, पर माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होते हैं. एक होता है आउटर मेम्ब्रेन जो काफी ज्यादा पोरस होता है, मटेरियल कैन इजीली यू नो मूव. देन देयर इज अ इनर मेम्ब्रेन जो डीपली फोल्डेड होता है, और ये जो डीपली फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन होता है यही सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन. तो अल्टीमेटली हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी कहां पर प्रोड्यूस होता है, तो वो इनर मेम्ब्रेन में होता है क्योंकि वो उसको एरिया प्रोवाइड करता है. ऑलराइट,
माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स इनको बोला जाता है. क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं विच हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स. ओके, दो ऐसे चीजें आती हैं जिनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम है, और हमने क्वेश्चन भी किया है ये पिछली वीडियोस में डिस्कस भी किया है. एक तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है और दूसरा आपका प्लास्टिड्स है, ठीक है. ओके, इन दोनों के पास अपना खुद का डीएनए है. देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स, क्योंकि इनके पास खुद के राइबोसोम्स हैं, खुद के डीएनए है, सो दे कैन ऑल्सो मेक देयर ओन प्रोटीन्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो एक स्लाइड आपकी स्क्रीन के ऊपर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जिन बच्चों ने तो पीडीएफ परचेज किए हुए हैं वो तो उनको तो पीडीएफ फाइल मिलेगा, जिन्होंने नहीं किया उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये वो है पार्ट है, ठीक है. चलो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर का. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स इंटू स्पेसिफिक परमानेंट टिश्यूज अकर बाय द प्रोसेस ऑफ. अब देखो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए अपने को ये पता होना चाहिए कि ये मेरिस्टेमेटिक सेल क्या होते हैं, ठीक है. परमानेंट टिश्यू तो अगर मैं प्लांट की बात करता हूँ तो परमानेंट टिश्यू तो जो प्रॉपर डेवलप्ड टिश्यूज हो गए, जैसे रूट है, स्टेम है, ये इनके क्या है, परमानेंट टिश्यू हैं जो प्रॉपरली डेवलप हो गए और जो अपना प्रॉपर एक इनका एरिया है जो इनको कंडक्ट करना है, जो प्रॉपर एक जॉब असाइंड होता है हर पार्ट को, ठीक है. लेकिन मेरिस्टेमेटिक सेल क्या होते हैं, तो सवाल ये पूछा गया कि मेरिस्टेमेटिक सेल जब परमानेंट टिश्यू में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहा जाता है. तो अगर मेरिस्टेमेटिक सेल को समझ लोगे तो आंसर इसका इजीली आ जाएगा. आंसर यहां पर होगा ऑप्शन ए, सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है. चलो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखते हैं पहले क्या होता है. तो अगर आप देखो जो प्लांट की ग्रोथ होती है, जब पौधा बड़ा होता है तो ऐसा नहीं है कि पूरा पौधा ग्रो हो रहा है, हर पार्ट ग्रो हो रहा है, स्पेसिफिक रीजन्स में ग्रोथ होती है प्लांट के, ठीक है. ऐसा क्यों होता है कि स्पेसिफिक रीजन में ग्रोथ होती है, क्योंकि जो डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं, जब टिश्यू अपने आप को डिवाइड करेगा तभी वो ग्रो करेंगे ना, ठीक है. तो जो डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं जिनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है, वो सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स के ऊपर अवेलेबल होते हैं प्लांट्स में, ठीक है. अब डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, जहां जहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, इनको क्लासिफाई किया जाता है तीन टाइप में, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी. अभी मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ये आपका काम है, आपने बताना है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां पर मिलते हैं, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां पर मिलते हैं, और इंटरकैलरी जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां पर मिलते हैं. ये आज का आपका होमवर्क है इस पर्टिकुलर लेक्चर का, थोड़ा सा रिसर्च करें. ओके, अब जहां पर भी ये है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेम में है, रूट्स में है, तो जहां पर भी ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं ये प्रोड्यूस करेंगे खुद को, एंड अल्टीमेटली द प्लांट एरिया विल ग्रो. ओके, एंड इनिशियली जब ये प्रोड्यूस होते हैं मेरिस्टम सेल्स, वो जो प्रीवियस मेरिस्टम सेल्स होते हैं उन जैसे ही होते हैं, बट जैसे जैसे ये सेल्स ग्रो करेंगे, ये मेच्योर करेंगे और इनका करेक्टरिस्टिक स्लोली चेंज हो जाएगा, एंड दे विल अल्टीमेटली डेवलप इनटू अ परमानेंट टिश्यू. अब जो वो परमानेंट टिश्यू बन जाएगा, फिर वो मेरिस्टम सेल नहीं रह गया, फिर वो डिवाइड नहीं होगा, फिर वो ग्रो नहीं करेगा, फिर वो एक स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म करेगा, जैसे स्टेम, रूट वगैरह मैंने आपको बताया, ठीक है. और इस प्रोसेस को, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गया, इसको हमने क्या बोल दिया, सेल डिफरेंशिएशन. बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जा सकता है पेपर के अंदर. चलो, सो ऑलराइट गाइस, यहां पर हमारे तीन क्वेश्चंस कवर हुए, आज पांच क्वेश्चंस इसीलिए नहीं लिए ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए. ओके, एंड मेन पर्पस क्वालिटी है, क्वांटिटी से अगर पेपर क्लियर होते तो लाखों क्वेश्चंस वेब के ऊपर अवेलेबल है, सबका हो जाता, ठीक है. तो व्हाट्सएप 9041244689 फॉर डाउट्स, और मेल @sikshit@gmail.com, और कोर्सेज के लिए लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और चैनल को शेयर जरूर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को, रीच बढ़ाओ चैनल की, जितनी ज्यादा रीच बढ़ेगी उतना ज्यादा पढ़ने में और पढ़ाने में मजा आएगा. चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय.